नेत्रहीन लड़कियों के साथ मिलकर मनाया दुष्यंत चौटाला का जन्मदिन। भिवानी, आज हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का जन्मदिन भिवानी में कुछ अलग ढंग से मनाया गया। जजपा की महिला प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षक फाउंडेशन और जिला अध्यक्ष इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन निर्मला परमार रेवाड़ी खेड़ा ने भिवानी के दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंचकर नेत्रहीन लड़कियों के साथ मिलकर केक काटा और वहां पर सभी का मुंह मीठा कराया। निर्मला परमार रेवाड़ी खेड़ा ने कहा कि अपने घर के सदस्यों के साथ तो जन्मदिन सभी मनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना नेत्रहीन लड़कियों के साथ मनाया जाए, डॉट वह भी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार नहीं बल्कि सभी कुछ खास दिनों में गौशाला या दिव्यांग आश्रम में जाती रहती हूं। आज मुझे इनके बीच आकर दिल को सुकून मिला। निर्मला परमार ने कहा कि मैं विश्वास दिलाती हूं कि जो भी संभव मदद होंगी वह मदद जरूर करूंगी। और उन्होंने दुष्यंत चौटाला को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आज आप आए हो, ये दिव्यांग स्वाभिमान चैरिटेबल ट्रस्ट जो है यहाँ पर नेत्रहीन लड़कियाँ रहती है, आप दुष्यंत चौटाला जी का जन्मदिन मनाने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? मत यही कहना चाहूँगी, यहाँ जो है ना काफ़ी लड़कियाँ हैं और काफ़ी बच्चे भी हैं इसमें नेत्रहीन, और देख के दुख भी हो रहा है मेरे को। और आज हमारे तेजस्वी दुष्यंत चौटाला डिप्टी सी एम का जन्मदिन था और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाह रही हूँ और मुबारकबाद देना चाहूँगी। आगे अब तो डिप्टी सी एम थे और आगे सी एम बने। निर्मला जी, आजकल देखते हैं जो लड़के हैं लड़कियां जो भी है वो अपना जन्मदिन किसी कैफे में जाकर बड़े रेस्टोरेंट में जाकर मनाते हैं, लेकिन आपने एक अलग अंदाज से आज जन्मदिन मनाया है। दिव्यांग व नेत्रहीन लड़कियों के पास आप आए हैं और उनको केक खिला करके जन्मदिन मनाया है, ये सोच कहाँ से आई? ये सोच तो हमारा में, जैसे हम ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम तो सदा आते हैं आश्रमों में। अच्छा, लेकिन ये आश्रम मैंने आज पहली बार देखा है जी। मैंने पता लगाया सुमित नागर जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से, आखिर ये एक आश्रम और है इधर, तब आई हूँ मैं इसमें। हम हमेशा आश्रम में मनाते हैं या गौशाला में जाते हैं। जो और भी जो समाज सेवी है, अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे इन्होंने बताया कि इसको चलाने के लिए बहुत ही आर्थिक कमजोर स्थिति में जो ये है ट्रस्ट अभी चल रहा है, तो अभी इनको मदद की जरूरत है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी भाई, सब समाज सेवी आगे आके जो भी ऐसे कार्य करते हैं, जैसे संस्था चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, इस ट्रस्ट को आके संभालें भाई, इसको मदद दें। इसमें बेटियां भी हैं और बड़ी एज की महिलाएं भी हैं जिनको आंखें नहीं हैं, निमग अंधी हैं इधर। निर्मला जी ये बोलते हैं कि कई बार यहाँ पर आते हैं फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, निर्मला परमार इनको करती है क्या आश्वासन देती है कि अगर भविष्य में इनको कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो क्या निर्मला परमार यहाँ पर पहुँचेंगी? पहुँचूंगी। अभी इन्होंने बताया है मेरे को, जैसे कंप्यूटर नहीं है यहाँ, किताबें लानी है उन लड़कियों के लिए, तो उसकी मैं मेरी संस्था की तरफ से कोशिश करूँगी। रक्षक फाउंडेशन है, जैसे इंडियन वेटरन है मेरे पास, तो हम आके और इनको किताबें और कंप्यूटर साहित्य के लिए। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सबको, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे दुष्यंत चौटाला जी। आज हम आपके बर्थडे पे एक आश्रम में आए हैं जहाँ पे नेत्रहीन लड़कियाँ रहती हैं और हमने आज आपका बर्थडे मनाया है और बच्चे रहते हैं, और मैं आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि इनकी सहायता करें और जितने भी सेविका जितने भी सोशल वर्कर हैं वो भी आए और यहाँ पे सबसे मिलकर जाएं और इनकी जितनी हो सके उतनी सहायता करें। धन्यवाद। नमस्कार श्रीकांत जी। नमस्कार। ठीक, आज निर्मला परमार जी आपके आश्रम में आई है, क्या कहना चाहेंगे निर्मला जी के लिए? इनकी सोच बहुत अच्छी है निर्मला जी की, जो हम नेत्रहीनों के बीच दुष्यंत चौटाला जी का बर्थडे मनाने आई, हमें तो मालूम नहीं था, मैंने मैडम ने बताया आज इस दिन को हम लोग मार्क करेंगे और अपनी स्तर से भी दुष्यंत जी का बर्थडे हम लोग मनाएंगे अगली बार से जी। धन्यवाद। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो आप आज का जो आपकी संस्था है इसमें जन्मदिन मनाया है डिप्टी सी एम दुष्यंत चौटाला जी का, जो पूर्व में डिप्टी सी एम थे, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमें बहुत अच्छा लगा हमारी संस्था को इन्होंने जन्मदिन के लिए चुना है, दुष्यंत चौटाला जी और मैडम निर्मला जी ने, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम भगवान से तहे दिल से प्रार्थना करते हैं कि अब तो ठीक है, वो
डिप्टी सीएम आगे जाके हरियाणा के बहुत ही अच्छे सीएम बनेंगे। हमारी तरफ से ये पूरे देश को ही चलाएंगे वो आगे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।